हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ कवर कर रहे हैं एमएस वर्ड के कंप्लीट सेशन को। इससे पहले मैंने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू कवर कर लिया है। आज का सेशन है, लास्ट टॉपिक है व्यू मेनू। तो पहला टॉपिक देखते हैं यहाँ पर, डॉक्यूमेंट व्यू। देखो, डॉक्यूमेंट व्यू जो होता है, हम क्या करते हैं कि इसका लुक देखते हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट आपके पास बना हुआ है इसका लुक कैसा आ रहा है। ये जैसे ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना, सिंगल पेज जैसा। तो इसको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। जो बाय डिफॉल्ट होता है उसको बोलते हैं प्रिंट लेआउट। और यदि आपको पेज को बढ़ा करके देखना है, मान लो यहाँ पे मैंने कुछ मेटर लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू रैन, कोई डमी टेक्स्ट आ गया। अब इसको फुल स्क्रीन करना है, क्लिक करो, ये क्या होगा, एक बड़े स्क्रीन में आकर ये दिखेगा। समझ आया? ओके, डबल क्लिक करो, वापस आ जाओ, इसको क्लोज करो। इसके बाद अगर किसी पेज को आप इंटरनेट के पेज के रूप में देखना चाहते हो, कि मान लो कोई ऐसा पेज बना दिया, आप देखना चाहते हो कि इंटरनेट पे वो कैसा लुक होगा उसका, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। क्लिक करो इस पर, देखो ये बड़ा पेज में आ जाएगा दिखेगा, ठीक है, यानी ये पूरा पूरा बड़ा पेज दिखेगा आपको। इसके बाद नॉर्मल करना है तो आप प्रिंट लेआउट का इस्तेमाल करो, ठीक है। इसके बाद देखो ये है आउटलाइन, इससे क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ अलग अलग पेज ले लिया और यहाँ पे कुछ मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर रहेगा। इज इक्वल टू रैन, यहाँ पे मैंने कुछ डमी टेक्स्ट मंगा लिया 6-6 लाइन का, आप समझ जाए इस चीज़ को। जब हम आउटलाइन पे क्लिक करेंगे क्या होगा, देखो ध्यान से, जितना भी पेज है, ठीक है, पेज के अकॉर्डिंग और पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, यानी मतलब ये कि जितने भी पैराग्राफ होंगे सबको हाईलाइट कर देगा। हेडिंग जितने होते हैं ना, हेडिंग को अगर हाईलाइट करके देखना है केवल, तो आप इसका इस्तेमाल करते हो आउटलाइन का, ठीक है, इस तरीके से वो दिख जाएगा जितना भी पेज होगा। इसके बाद बिना पेज ब्रेक का, इसके बाद व्यू मेनू में जाइएगा, यहाँ लिखा होगा ड्राफ्ट, ड्राफ्ट पे क्लिक करिएगा, ये क्या करेगा, आप इसको क्लिक करो, देखो ये भी जो है कि बिना पेज ब्रेक का पूरा पूरा पेज दिखाता है, देखो। लेकिन हाँ, ये किसी पता एक लाइन कर देगा यहाँ पे क्रॉस कि साहब ये है ब्रेक, ठीक है ना, कंटिन्यूसली पूरा वर्क दिखाएगा ये। और एक और चीज़ सबसे बड़ा इसका खूबी ये है, इसको नॉर्मल कर लो, जब हम काम करते रहते हैं, मान लो यहाँ पर मैं काम कर दिखाता हूँ, इंसर्ट पे गए या टेबल ले लिया और टेबल पे काम कर रहे थे आप और ऐसे खींचा आपने और ये अंदर चला गया, अब क्या करोगे, इसको आप वापस नहीं कर सकते। वापस करने का तरीका क्या होगा, आप व्यू मेनू पे जाओगे, ड्रॉप पे क्लिक किया, अब ये पेज आ जाएगा, तो यहाँ क्या कर सकते हो, जब इस पर कर्सर ले जाओगे ना, तो यहाँ पे इसको स्मॉल करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्या करोगे, इस टेबल को वापस ले आ पाओगे अंदर। समझ में आया? इसको अंदर से क्लिक करो, सॉरी यहाँ पे क्लिक किया, इसको स्मॉल कर लो सीधा सा, अब वापस जाओ व्यू मेनू पे, लेआउट चेक कर लो। देखो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना पूरा पूरा व्यू चेक कर लेंगे, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर व्यू मेनू जब जाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्राफ्ट लिखा, आउटलाइन लिखा होगा, क्लिक करेंगे यहाँ पर जो पूरा डैश पॉइंट देगा, इसको क्या कर सकते हैं हम, जैसे हम लोग इंडेक्स वगैरह बनाते हैं ना, एक पेज होता है, एक पेज के अंदर जैसे एक हेडिंग है, हेडिंग के अंदर हेडिंग है, तो इस तरीके से अगर कुछ दिखाना चाहते हो तो क्लिक करो। जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया है, आप हर चीज़ को सेट कर सकते हो कि लेवल 1 रखना है इसको, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ को, इसको लेवल 2 रखना है, और अलग अलग पैराग्राफ को आप अलग अलग लेवल में सेट कर सकते हो। और सेट करने के बाद तरीका ये होगा कि आप चाहो तो जैसे लेवल 1 देखना है केवल, तो क्लिक करो, लेवल 1 दिखेगा, बाकी और कुछ नहीं दिखेगा पेज पर, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि लेवल 2 देखो, या लेवल 2 आए, लेवल 3 आए, तो वही आएगा। और यहाँ पे क्या ऑप्शन देखो, शो फॉर्मेटिंग, यानी इस पर जो कलर वगैरह आएगा इसको हटा भी सकते हो, ठीक है, ये सब तरीका यहाँ से होता है। डॉक्यूमेंट व्यू देख सकते हो आप, ठीक है, क्रिएट भी कर सकते हो खुद का। इसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको आप बारी बारी जितना देखना चाहते हो देख सकते हो, यहाँ पे ये तरीका होगा लेफ्ट और राइट सेट करके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें, ये कैसे हम रूलर हटाते हैं। देखो इसको बोलते हैं रूलर, इस एरिया को, है ना, जो ये वाला पार्ट होता है हमारा, इसको बोलते हैं रूलर, ये पार्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा, ये रिमूव हो जाएगा, हट गया, वापस ला सकते हैं। और इसके बाद ये ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नेविगेशन पैन मंगा सकते हैं, जैसे ये नेविगेशन पैन यहाँ पे लेफ्ट साइड दिख रहा था, इसको रिमूव कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, पेज को जूम कर सकते हैं चाहे जितना चाहें, यहाँ पे ऑप्शन देगा बहुत सारा पेज,
ठीक है, इसको बहुत सारे एक साथ पेस्ट कर दो, यानी छोटे व्यू में हो जाएगा। 100% कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट जैसा जब हम ओपन करते हैं एमएस वर्ड तो इसका लुक होता है 100%। यहाँ से देखो स्टेटस बार है ना, स्टेटस बार से इसको भी सेट करते हैं। यानी एक क्वेश्चन था CCC एग्जाम में, एक क्वेश्चन था कि यदि हमें जूम करना हो तो हम कहाँ से जूम करेंगे, ठीक है, एमएस वर्ड में। तो यहाँ जान लो व्यू मेनू भी मिलेगा और दूसरा स्टेटस बार, ये तो आपको दिख रहा है। यहाँ से क्या कर सकते हो, और मिनिमम आप कर सकते हो 10 और मैक्सिमम 500, क्लियर। तो यहाँ पे इसको सेट कर लो केवल 100, ठीक है। आप इसको पेज बड़ा कर देखना चाहते हो क्लिक करके देख लो, ठीक है, 100% रख लो। इसके बाद हम बात करेंगे न्यू विंडो। अगर आप चाहते हो कि एक मेन पेज हो और उसके कई सारे पेज हो, ठीक है, क्लिक करो, यानी एक पेज पे काम किया जाए, कई सारे पेज पे एक साथ वर्क हो। तो अब मैं अगर दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मान लो मैंने यह लिख दिया इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ कुछ मैं इमेज बना देता हूँ ना, क्लिप आर्ट वगैरह से। अब देखो ध्यान से, हम जाएंगे व्यू मेनू और यहाँ पे अरेंज करेंगे, ये हर एक पेज पे दिखेगा आपको। और आप देखना चाहते हो इसको बड़ा करके देख लो, यहाँ एक ऑप्शन देता है स्विच विंडो, आपके पास 3 पेज है यहाँ दिखेगा, ठीक है, उस 3 पेजों पे आप मूव कर सकते हो, मूव करके जा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। यानी एक जगह का आप करोगे आपको हर जगह दिखेगा। आप हर पेज पे देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे व्यू मेनू में जाएंगे, यहाँ लिखा होगा मैक्रो। मैक्रो का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, रिकॉर्डिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए। इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ F8। यहाँ पे हम एक फॉर्म बनाएंगे, और एक चीज़ ख्याल रखना, मैक्रो यूज़ करते वक्त आपको कोई ज़्यादा मिस्टेक नहीं करना है और एमएस वर्ड से बाहर नहीं जाना है, ठीक है, वरना प्रॉब्लम होता है रिकॉर्डिंग में। क्लिक करो, और ये किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करता है, ये केवल टेक्स्ट में जो फॉर्मेटिंग होता है उस चीज़ का वो रिकॉर्डिंग करता है, और बैकग्राउंड वगैरह का, ठीक है। तो क्लिक करो यहाँ पे, यहाँ लिखा क्रिएट, यहाँ देखो ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्लिक करना, लिखा होगा रिकॉर्ड मैक्रो, क्लिक करो, एक बॉक्स आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या जो हमें बनाना है, मान लो एक फॉर्म हमें रेडी करना है, या मेमो, कोई बाउचर रेडी करना है, ठीक है ना, मेमो रेडी किया, ओके करो। अब देखो रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, इंसर्ट करो, इसमें बहुत सी चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। तो यहाँ मान लो एक हमें फॉर्म बनाना है, फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। फॉर्म में हमें रिक्वायरमेंट ये है कि हम, एक मिनट देखो, इसमें बहुत सी चीज़ें लॉक हो जाएंगी, एक बार इंसर्ट कर लोगे तो बार बार वो यूज़ नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे सीरियल नंबर रखा, इसमें रखना चाहते हो आप कस्टमर नेम, इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे कुछ और चाहते हो जाने दो, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और ठीक है प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद आप चाहते हो कुछ और इंसर्ट करो, यहाँ बस एक आपको फॉर्मेट समझना है कि कैसे काम करते हैं। क्लिक किया, यहाँ लिख दो शॉप का नाम, राइट क्लिक करो इस पर, ये अपने मेमोज, अब देखो ये मान लो मेरे पास फॉर्मेटिंग बन गया, अब इसको बार बार यूज करना है हर जगह, तो क्या करोगे, इसको सेव कर लो व्यू पे जा करके। एक्चुअली मैं ये देखो जो माइक्रो है इसका पूरा पूरा यूज़ है, बहुत अच्छे पैमाने पर हम जो भी लेते हैं ना, यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं वगैरह कुछ भी लिखेंगे, इसका एक कोड रेडी होता है बैकग्राउंड में। इसका मैंने एक अच्छा सा सेशन एक्सेल का कवर किया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, वो आपको मैक्रो का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें बहुत सी हम डेवलपर वेब पे काम करते हैं, एडवांस वर्क करते हैं उसको बोलते हैं डेवलपर वेब। अब देखो यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्टॉप करेंगे, स्टॉप कर दिया। इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास बना हुआ दिख रहा है, हम इंसर्ट पे जाएंगे, ब्लैंक पेज किया, यहाँ पे ये बन जाएगा। और हमें क्या करना है, व्यू पे जाएंगे, देखो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, रन करा दो, आ गया, ठीक है। जितना काम करोगे उतना काम होगा, अगर एक भी मिसिंग हो गया, ठीक है, मिसिंग कर दिया तो प्रॉब्लम होगा बार बार,
ठीक है, आप लिख करके उसको इरेज करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम होगा। अब देखो यहाँ पे कोई कस्टमर आया, उसको रन करा के दिखा दो, स्लिप को प्रिंट करना है हमें, तो हम व्यू पे जाएंगे और रन करा देंगे। आगे इस तरीके से हम अपना काम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद एम एस वर्ड पे कैसे काम करते हैं, रिज्यूम वगैरह क्या बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड रिज्यूम अगर आपको बनाना है तो मैं नेक्स्ट सेशन में बनाऊंगा कि कैसे, अगर कोई ऑफिस वर्क के लिए आपको रिज्यूम बनाना है तो भी मैं स्टैंडर्ड बताऊंगा। इसके बाद स्टैंडर्ड के साथ एक फॉर्म भी बनाएंगे हम एम एस वर्ड पे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कोई कोर्स सीखना चाहते हो ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट पे जा एक बार विजिट करो और वहाँ पे देख सकते हो अलग अलग टैली वर्क है, एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और लैंग्वेज भी है। ठीक है,